हमारी सरकार के लिए आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का अवसर केवल और केवल शहीदों के सम्मान में कुछ कार्यक्रम करना भर नहीं है। हमारे लिए ये एक जिम्मेदारी है, पुनरावलोकन की जिम्मेदारी है कि देश की राजधानी दिल्ली पिछले 75 साल में कहां से कहां पहुंची है। यानी कि आजाद हिंदुस्तान जब 100 साल का हो रहा होगा 2047 में, उस वक्त हम दिल्ली को कहां देखना चाहते हैं। आज के इस देशभक्ति बजट को मैं इंडिया एट 75 के सेलिब्रेशन के साथ साथ इंडिया एट 100 की आधारशिला के रूप में भी रखना चाहता हूं। शिक्षा पे किया गया काम केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स की एक आधारशिला रही है और सरकार के कुल बजट में पिछले 6 साल से लगातार 25% लगभग 25% शिक्षा के लिए रखा जाता है। ये अपने आप में एक सबूत है कि हम शिक्षा को लेकर कितने गंभीरता से काम करते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को ऊपर ले जाने के लिए सरकार इस साल 3 और बड़े कदम उठा रही है। वो है कि पहला है नर्सरी से 8वीं कक्षा के लिए नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है, दूसरा है दिल्ली का अपना शिक्षा परीक्षा बोर्ड स्थापित किया जा रहा है, और तीसरा है दिल्ली में 100 स्कूल ऑफ एक्सलेंस स्थापित किए जाएंगे। हमें शिक्षा को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। आजादी के 75वें साल में हम इसकी शुरुआत दिल्ली से करेंगे जन आंदोलन बनाने की। तो हम पढ़े लिखे और सफल युवाओं को उन छात्रों की मदद के लिए तैयार करेंगे जो संसाधन और सूचना के अभाव में जूझ रहे हैं। इसके लिए यूथ फॉर एजुकेशन नाम से एक मेंटरशिप वॉलंटियर प्रोग्राम इस साल से शुरू की जाने की संभावना है। दिल्ली में एक नए तरीके का स्कूल शुरू करेंगे, वर्चुअल डेली मॉडल स्कूल, यानी एक ऐसा स्कूल जिसमें 4 दीवारियां नहीं होंगी, कोई बिल्डिंग नहीं होगी, पढ़ाई होगी, बच्चे होंगे, अध्यापक होंगे, एनरोलमेंट होंगे, एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन 4 दीवारियां नहीं होंगी। ये वर्चुअल मॉडल स्कूल होगा, दिल्ली का एक अपने आप में अनोखा प्रयोग होगा और शायद दुनिया का पहला वर्चुअल मॉडल स्कूल। ये स्कूल की डिजाइनिंग पे काम शुरू हो गया है और मेरी कोशिश रहेगी कि अगले सत्र से अपना काम करना शुरू कर दे। इसका फायदा दिल्ली के विद्यार्थियों के साथ साथ उन बच्चों को भी मिलेगा जो देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं लेकिन दिल्ली के शिक्षा मॉडल का लाभ उठाना चाहते हैं। हम उन सब बच्चों को एनीवेयर लिविंग, एनी टाइम लर्निंग, एनी टाइम टेस्टिंग की सुविधा देके उसके तहत सीखने का अवसर देंगे। दिल्ली के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा और इसके साथ ही दिल्ली में ऑनलाइन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम HIMS स्थापित किया जाएगा। इसमें दिल्ली के नागरिकों की बीमारी का, उनके इलाज का, उनकी टेस्ट रिपोर्ट का, उनकी दी गई दवाइयों का पूरा डेटाबेस इस HIMS में होगा और आदमी को एक हेल्थ कार्ड बना के दे दिया जाएगा। उसको जब भी अपने इलाज के लिए कहीं अस्पताल में जाना पड़े तो वो पुराने टेस्ट, पुराने रिकॉर्ड, पुराने वो बस्ते लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो केवल अपना कार्ड लेके जा सकता है और पूरा का पूरा डेटा ऑनलाइन डॉक्टर के पास में उपलब्ध होगा। ये सारी सूचनाएं वहां पे डेटाबेस में उपलब्ध होंगी। अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। पहले चरण में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे और इनको क्रम से बढ़ाकर हर वार्ड में कम से कम एक क्लिनिक तक हम लेके जाएंगे। दिल्ली में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के लोगों को कोविड की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में लगातार निःशुल्क ही उपलब्ध कराई जाएगी। इस नई योजना आम आदमी निःशुल्क कोविड वैक्सीन के लिए मैं 50 करोड़ रुपए की राशि अलग से प्रस्तावित कर रहा हूं। दिल्ली में रहने वाला हर एक नागरिक अपने घर से थोड़ी दूर के लिए भी निकले तो उसको कहीं ना कहीं आसमान में तिरंगा, ऊंचा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए और इसके लिए पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर शानदार तिरंगे लहराने का काम दिल्ली सरकार। इसके लिए बजट में 45 करोड़ रुपए का अलग से प्रस्ताव कर रहा हूं। इस अवसर पर सरकार ने पूरे 75 सप्ताह तक के समय को देशभक्ति के महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव की शुरुआत इसी सप्ताह 12 मार्च से धूमधाम से महान स्वतंत्रता नायकों के सम्मान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम से होगी और इसके बाद से लगातार 75 हफ्ते तक, यानी 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल पूरे होने तक पूरी दिल्ली में आजादी के उत्सव का माहौल रहेगा, देशभक्ति के उत्सव का माहौल रहेगा। 75वें वर्ष के आयोजनों में एक महत्वपूर्ण कदम यह भी होगा कि हम अपने पूरी दिल्ली के 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान करने के लिए पूरी दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित करेंगे और यह कार्यक्रम दिल्ली में सक्रिय विभिन्न वरिष्ठ नागरिक संगठनों के साथ मिलकर आयोजित होंगे। इसके लिए अलग से 2 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने फर्ज के लिए, अपने देश के लिए बहादुरी से लड़ने वाले सिपाहियों के परिवारों के लिए सम्मान और मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत इस वर्ष व अगले वित्त वर्ष 2020-21 में मैं 26 करोड़ रुपए का प्रावधान रखता हूं। 2048 के ओलंपिक गेम्स की बिडिंग शुरू हो
तो हम दिल्ली के अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा कर सकें और दुनिया के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा कर सकें कि वो दिल्ली की ओर उम्मीद भरी और विश्वास भरी नजरों से देखें खेल की अथॉरिटीज जो हैं ओलंपिक की अथॉरिटीज, और वो कहें कि हाँ दिल्ली भी दावेदार हो सकता है और हम उस बिडिंग में से दिल्ली दावेदार बन के निकले और जब आज़ादी की हम 100वीं सालगिरह मना रहे हों, 100वां वर्ष मना रहे हों, तो ओलंपिक की मिसाल दिल्ली में जलाए। ये अब दिल्ली सरकार काम कर रही है, दिल्ली काम कर रही है और दिल्ली के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम को सिंगापुर के बराबर ले जाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। शहीद भगत सिंह जी ने अपनी जेल डायरी में लिखा था कि अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका करना जरूरी है। आजादी के 75वें साल में शहीद भगत सिंह जी के प्रेरक जीवन पर कार्यक्रमों के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए का बजट हम रख रहे हैं। इस केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में मात्र अगले वित्त वर्ष या कुछ अगले वर्षों के लिए नहीं बल्कि अगले पूरे 25 साल का एक विजन। इसके तहत एक स्वतंत्र, स्वस्थ, शिक्षित और समर्थ राष्ट्र अपनी आजादी के 100वें वर्ष में सारी दुनिया के सामने ज्ञान और प्रगति के एक प्रेरक शक्ति के रूप में खड़ा होगा और इसका केंद्र बिंदु होगी हमारी दिल्ली।